नमस्कार दोस्तों, सभी छोटे बड़े बहन भाइयों को मेरा राम राम। सभी चाचाताओं भाई बहन जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, सबने कसामंद करके कहूँ कि अपने फ़ोन की आवाज़ थोड़ी तेज़ कर दे, ताकि आपके बेटे पोते भी अपना गौरवशाली इतिहास सुन सकें और अपने आप पर गर्व कर सकें कि वह कितने महान पुरुषों की संतान है। ये वाक्य सुनो, गुर्जर वंश का गौरवशाली इतिहास अध्याय 1 है। गुरुजन का अपभ्रंश है गुर्जर। विद्वानों की मान्यता है कि जिस देश के व्यक्ति शत्रुओं के आक्रमणों और परिश्रम आदि को नष्ट करने वाले हों, उन साहसी सूरमाओं को गुर्जर कहा जाता है। शत्रु के लिए युद्ध में भारी पड़ने के कारण इन्हें पहले गुरुतर कहा गया। किसी के मतानुसार बड़े व्यक्ति के रूप में गुरुजन कहकर अपभ्रंश स्वरूप गुर्जर शब्द का चलन हुआ है। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार प्राचीन काल में गुर्जर नामक एक राजवंश था। अपने मूल पुरुषों के गुणों के आधार पर इस वंश का नाम गुर्जर पड़ा था। उस पराक्रमी गुर्जर के नाम पर उनके अधीन देश गुर्जर, गुर्जरात्रा और गुर्जर देश प्रसिद्ध हुए हैं। इसके उपरांत भी जिन लोगों ने गुर्जरों को विदेशी माना है, उनका मत स्वीकरणीय नहीं है। ऐसे इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टोड, सर जेम्स कैंपवेल, विंसेंट स्मिथ, श्री के एम मुंशी गवर्नर उत्तर प्रदेश, मिस्टर क्रुक, डॉक्टर भंडारकर, मिस्टर कनिंगम आदि हैं। भारत की क्षत्रिय परंपरा को कम करके प्रस्तुत करने का इनका कार्य भारत द्वेष की भावना से ग्रसित है, इसलिए भारतीय इतिहास में इन लोगों के इस प्रकार के कार्य को अधिक स्थान दिया जाना भी उचित नहीं है। असत्य और अमान्य धारणाओं पर आधारित इनके लेखों को पढ़ाना भारतीय इतिहास के जिज्ञासु पाठकों का समय ही नष्ट करना होता है। अतः भारत के गौरवपूर्ण इतिहास के लेखन कार्य में लगे विद्वान लेखकों को चाहिए कि ऐसे भारतद्वेषी लोगों के लेखों को अपने लेखन में स्थान न दें। कवि ने कविता के रूप में 2 लाइनों में बहुत ही सुंदर कहा है, जिसको सदा से ही रहा निज देश का अभिमान है, जिसने दिए बेजोड़ अपने देश हित बलिदान है, निज रक्त से सींचा है जिसने इस हिंद के चमन को, गुर्जर वही है जो मानता है निज प्राण इस वतन को। भारत के प्रति समर्पण का भाव गुर्जरों में उत्कृष्ट रूप से पहले दिन से मिलता है। उन्होंने पहले दिन से भारत के क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने का संकल्प लिया और इतिहास के प्रत्येक मोड़ पर उसे संपन्न करने का सराहनीय प्रयास किया। कहीं पर भी उनके द्वारा ऐसा एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि उन्होंने कहीं भारत के साथ द्रोह किया हो। उन्होंने अपनी अटूट आस्था भारत के प्रति व्यक्त की और भारत को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करने और फिर से विश्वगुरु बनाने की कोशिश में दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया। विद्वानों की स्पष्ट मान्यता है कि युक्ति, तर्क, प्रमाण और इतिहास से यह सिद्ध है कि गुर्जर शुद्ध क्षत्रिय और भारतीय हैं। गुर्जरों की ऐसी उत्कृष्ट देशभक्ति की भावना और अपने देश के प्रति अटूट आस्था को देखकर ही इन्हें चीनी यात्री हेन सांग ने श्रेष्ठ योद्धा क्षत्रिय लिखा है। अबू जैद की भाषा में भारत के गुर्जर लोग हिंदुस्तानी राज शासकों में चौथी श्रेणी के थे। सर हर्बर्ट रिसले ने सन 1901 की जनगणना में शीर्षमापन सिद्धांत से चेहरा और सिर नापने की नई प्रणाली अपनाकर गुर्जरों को आर्यन देश के सिद्ध किया है। यद्यपि हमारी मान्यता है कि ऐसी माप तोल करना मूर्खतापूर्ण कार्य है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है और भौगोलिक परिस्थितियों व जलवायु के अनुसार उसके शरीर की बनावट में अंतर पाया जाना स्वाभाविक है। यदि ऐसा ही कोई सर्वेक्षण करना है तो इस बात का किया जाए कि आर्यों का किन किन देशों का शासन रहा और जब वह संपूर्ण भूमंडल पर शासन कर रहे थे तो संपूर्ण भूमंडल की शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। यदि इन बिंदुओं पर सर्वेक्षण के लिए कहा जाए तो इन तथाकथित विद्वानों की नानी मर जाती है, क्योंकि इन्हें भारत के हित में जाने वाला कोई सर्वेक्षण नहीं करना है। इन्हें तो सर्वेक्षण वही करना है जिसे भारत दुर्बल होता हो और उसके भीतरहीन भावना उत्पन्न होती हो। उनकी सीधी ऊंची नासिका, लंबी गर्दन, ऊंचा माथा, सुडोल भरा हुआ शरीर देखकर पाश्चात्य इतिहासकों ने भी इन्हें भारतीय एवं आर्य प्रमाणित किया है। सर इवर्टसन ने पंजाब कास्ट में पृष्ठ 194 पर लिखा है कि गुर्जर पंजाब की सबसे बड़ी 8 जातियों में से एक है। वे डील डोल और शारीरिक बनावट में जाटों से मिलते जुलते हैं, सामाजिक रीति रिवाजों में जाटों के समान हैं, किंतु जाटों से कुछ 19 हैं। दोनों जातियां बिना किसी परहेज के परस्पर खान पान करती हैं, इस प्रकार इनके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं।
गुर्जर वीर गाथा नंबर प्रश्न नंबर एक पर लेखक रतनलाल वर्मा ने भी यही बातें लिखी हैं। जो लोग नाक आदि की बनावट, सिर की बनावट या शरीर के भी डील डोल आदि की बनावट के आधार पर जातियों पर का निदान करते हैं, वे सृष्टि नियमों के विरुद्ध ऐसा कार्य करते हैं, क्योंकि यदि नाक कान सिर आदि की आकृति के आधार पर जातियों का निर्धारण किया जा सकता है तो इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर ने ही मनुष्य की अलग अलग जातियां बना बनाकर यहाँ भेजी है, जबकि ऐसा नहीं है। ईश्वर ने केवल एक मनुष्य जाति बनाकर भेजी है। फिर भी हम जाटों गुजरों के बारे में दिए गए उपरोक्त निष्कर्ष से इसलिए सहमत हैं कि एक ही वंश परंपरा और एक ही परिवार के लोग बहुत दूर तक, बहुत देर तक एक जैसे कुछ संस्कारों से शासित अनुशासित होते रहते हैं और वे संस्कार उनके भीतर झलकते रहते हैं। प्रिय मित्रों, दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो देखना न भूलें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। इससे आपका कुछ नहीं घटता, इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है और अपना गौरवशाली इतिहास आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाता है, जिससे अन्य भाई भी अपना गौरवशाली इतिहास सुनकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।